हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आपकी जेई मेंस की प्रिपरेशन में थोड़ा सा एड ऑन करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं फिर से जेई मेंस में आए हुए सवाल का ही एक स्मार्ट अप्रोच आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। तो चलिए फटाफट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है ये सेंटर ऑफ मास टॉपिक से बिलोंग करता है, तो फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। A rod of length L has non-uniform linear mass density given by rho equals to A plus B x upon L ka square, where A and B are constant, and it is given that it is from 0 to L. The value of x for center of mass of the rod is. तो हम जैसा कि जानते हैं कि rod अगर uniform होती तो उसका center of mass जो है वो L by 2 पे होता। ये जो दिया हुआ है x belongs to 0 से L, मतलब जो ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड रखी गई है ये 0 से L तक एडजस्ट कर रही है, मतलब उसकी लेंथ कितनी हो गई, L हो गई। तो अगर ये रॉड यूनिफॉर्म होती तो इसका सेंटर ऑफ मास होता वो L by 2 पे आता, बट यहाँ पर तो नॉन यूनिफॉर्म दिया हुआ है तो नॉन यूनिफॉर्म रॉड का हम सेंटर ऑफ मास L by 2 पे नहीं बोल सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे दिमाग में पहला थॉट जब भी नॉन यूनिफॉर्म आता है तो हमारे दिमाग में पहला थॉट आता है कि हमें इंटीग्रेशन से सॉल्व करना चाहिए। अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा है तो चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बोलता है कि जब भी आपको एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का या कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो आप उसमें फॉर्मूला लगाएं डीएम इंटू उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सपोनेंट डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सिंस हमें बहुत थिन रॉड मानेंगे तो कोई बाय कोऑर्डिनेट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब डीएम होता है लैम्डा डीएक्स, डीएम होता है लैम्डा डीएक्स और उसका एक्स कोऑर्डिनेट हम मानेंगे एक्स, मतलब कि मान लीजिए मैंने एक्स दूरी पर एक एलिमेंट मान लिया तो उसका मास लिखा है सबसे पहले मैंने, और मास कैसे लिखते हैं तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू छोटी सी लेंथ, तो वो डीएम हो गया। और फिर उसका हमने एक्स कोऑर्डिनेट लिखा क्योंकि वो पॉइंट मास है तो उसका x कोऑर्डिनेट उसी के ऊपर लाई कर जाएगा जिसकी दूरी इससे कितनी होगी x, तो हमने x लिख दिया डिवाइडेड बाय फिर से हम क्या करेंगे लैम्डा dx। अब की बार बस नीचे डिनोमिनेटर में ये x नहीं आएगा। अब हम लैम्डा का फंक्शन जब भरेंगे तो लैम्डा का फंक्शन दिया हुआ है a प्लस बी एक्स अपॉन एल का स्क्वायर, ये तो लैम्डा का फंक्शन हुआ। उसके अलावा एक x और है और उसके साथ में dx है तो मैं इसको एक x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और फिर मैं लिख देती हूँ dx। उसके बाद फिर से यही फंक्शन आएगा, बस अब की बार ये वाला एक्स नहीं आएगा तो हम लिखेंगे ए प्लस बी एक्स अपॉन एल का स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएक्स। आपने ऊपर भी फंक्शन लिख दिया नीचे भी फंक्शन लिख दिया। अब आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये आपको जीरो से लेकर एल तक ले जाना पड़ेगा तभी आपकी पूरी रॉड कवर होगी, तो मैं लिमिट जो डालूंगी वो डालूंगी एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल, और यहां भी लिमिट एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेशन आसान सा है बट फिर भी थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें करीब एक से डेढ़ मिनट लग जाएगा इसकी कैलकुलेशन करने में, और साथ में ये भी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, लेकिन एक इसकी बहुत बड़ी अप्रोच है तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर ये जो एक्स आया इसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए और बी कॉन्स्टेंट है तो हम बी को जीरो मान लेते हैं। जब हम b को जीरो मानेंगे तो ये जो रो है ये हो जाएगा a के बराबर जो खुद कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म रॉड का तो हम सेंटर ऑफ मास कहां बोल सकते हैं l by 2 पे बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा शॉर्टकट से देखेंगे, स्मार्ट अप्रोच से देखेंगे इसको हम, तो हम ऐसा बोलेंगे कि जब रो दिया हुआ है तो बेसिकली एक्चुअली लैम्डा है वो है a प्लस बी एक्स अपॉन एल का स्क्वायर, तो मतलब b को जीरो पुट करेंगे, b को जीरो पुट करेंगे मतलब योर टर्म हो जाएगा जीरो, तो हमारा जो लैम्डा है वो कांस्टेंट हो जाएगा a। तो इसका मतलब मैं अगर ऑप्शंस में b को जीरो पुट करके देखूं तो मेरा आंसर l by 2 होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं, जब मैं इस ऑप्शन में b को जीरो पुट करूंगी तो यहां से मुझे दिख रहा है कि इट इज 4/6 l, मतलब ये हो गया 2/3 l, तो इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा कि जब मैं इसमें देखूंगी b को जीरो पुट करूंगी तो यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 डिवाइड बाय 4 1 अपॉन 2 होगा, तो बेसिकली इसमें b को जीरो पुट करने पर रिजल्ट आएगा l by 2, ये वन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस है। लेकिन c और d को चेक कर
और बी तो जीरो ही है, तो बेसिकली यहाँ आ गया एल विच इज नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम, तो यहाँ बी को जीरो पुट करेंगे तो ये हो गया 3/4 L विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो हम बिना किसी झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी चिंता के हम ऑप्शन नंबर बी टिक कर सकते हैं और अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।